एंड आई रियली वॉन्ट टू नो मैम कि जब आप इस मूवी की हाइप सुन रहे हैं, द सॉन्ग शी इज ऑन फायर, इट्स ऑलरेडी वायरल नाउ डेज, एवरीबडी इज मेकिंग रील ऑन दैट सॉन्ग, हाउ इज द फीलिंग मैम? बादशाह है ही इतने कमाल, उनके गाने सारे इतने सुपर हिट होते हैं, और उन्होंने अब मेरे डायरेक्टर जो रेजी घाई हैं उनके साथ मिलकर ये गाना जो हमारी फिल्म को सूट करे, हमारा जो कैरेक्टर है अग्नि उसको सूट करे, इस तरह की कॉम्पोजिशन बनाई है और बहुत लोगों को पसंद आ रही है वो, खासकर यूथ को बहुत ज़्यादा, जैसे आप कह रहे हैं बहुत रील्स बन रही हैं उस पर, तो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं कि इतना अच्छा कामयाबी मिल रही है जो चीज़ें हमने की है। एक क्रिस्प बात जो आप ओवरऑल इस मूवी के बारे में बताना चाहें, दिस इज समथिंग रियली रियली वाओ जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। बस यही वाह वाह है कि अब समर हॉलीडेज हैं, 20 मई को अपनी फैमिली के साथ जाके एकदम मस्ती करिए थिएटर में, क्योंकि ये जो एक सिनेमैटिक ब्लॉकबस्टर होती है उस तरह की पूरी फील है। पॉपकॉर्न खाएं, समोसे खाएं, दोस्तों को फ्रेंड्स के साथ जाएं और मज़े करें, अब कोरोना ख़त्म हो गया और इस फिल्म के साथ में सेलिब्रेट करें। Let's celebrate it together. So next question is from you, ma'am. I really want to know, ma'am, कि जो आपके dialogues हैं, उसकी जो आपकी dialogue delivery है, वो बहुत ही ज़्यादा solid way में है। अगर आप बात कर रहे हैं किसी भी एक dialogue की कि इसको एक dash में कर ले, तो वो जो एक word आप बोल रहे हैं, जो आपका dialogue है, जो अंदाज़ है, I really want to know कि आप हमारी audience को वो बताना चाहें कि उस time पे वो क्या feeling थी आपके लिए, क्या आप एक ऐसी चीज़ share करना चाहें जो audience को लगी हाँ इस movie को देखने में हम 101% interested हैं। सबसे पहला सत श्री अकाल सारिआं नूं, एंड लवली बीइंग बैक विद इन अ वीक, इट फील्स ग्रेट टू हैव टू बैक टू बैक रिलीजेस एंड टू वेरी डिफरेंट वंस, एंड दोनों मिलना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोहिणी मेरे लिए बड़ा ही खास कि बिल्कुल मैं पहले कर चुकी हूँ, इतना मीन स्ट्रीक मैं खुद हैरान होती थी कि मज़ा आता था उसके अंदर। डायरेक्टर हैं वो, जब डायलॉग्स वगैरह हम करते थे, ये जो आप शॉट देख रही हैं वो, तो वो कई बार क्या होता है कि दिव्या फिर साइड पर हो जाती है, फिर रोहिणी टेक्स ओवर, एंड रोहिणी क्या करेगी मुझे भी नहीं पता, तो फिर वो मज़ा आता था देख के कि उतरे की ये भी हो गया ये भी हो गया, लेकिन जब कट होता था तो मज़ा आता था कि समथिंग ब्यूटिफुल हैज़ टर्न आउट इन द ऑल द कैरेक्टराइजेशंस ऑफ दिस फिल्म, एंड आई मस्ट से आई रियली फील प्राउड टू बिलोंग टू समथिंग एज एक्स्ट्रावेगेंट एज दिस, द बिगेस्ट एक्शन दैट वन कुड हैव सीन, एंड शी इज डिलाइटफुली एंड ब्यूटिफुली डन द एक्शन, एंड ही बट दिस इज माई फ्रेंड हियर, वी शेयर सम रियली क्रेजी सीन्स टुगेदर। Amazing. So, ma'am, I really want to know the wow one-line experience you need to share with your audience. Wow, in this about movie, jo aapko overall lagta, this is something really epic, which I really love to share with my audience. What I want to share about Dhakad is action. You won't see this action anywhere else. Matlab, ye jo hum jo shoot kar rahe the, jab hamare mere scene nahi hote the, to main jaati thi inko dekhne ke liye perform karte hue. तो वो लगता था अरे बाप रे व्हाट आर दे डूइंग, सो दैट एक्शन व्हेन यू सीन जस्ट लाइक दैट आई थिंक इज अ डिलाइट, अ विजुअल ट्रीट व्हेन यू वॉच इट। थैंक यू मैम। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यू सर, सो आई एम वॉचिंग यू सर ओवर द वन एंड वन क्वेश्चन आंसर राउंड्स एंड ऑल, एवरीथिंग यू आंसर इट्स सो ब्यूटिफुली, आई रियली वॉन्ट टू नो द आंसर बिहाइंड ऑफ योर कामनेस। अब टू स्ट्रॉन्ग लेडीज को एक साथ इस मूवी में हैंडल कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वन फेस, नाउ वी गाइस आर हियर फॉर द ट्रेलर, फॉर द लॉन्च, फॉर द एक्स वाई जेड, आई रियली वॉन्ट टू नो द एक्सपीरियंस, हाउ यू फीलिंग? I don't have a choice but to be calm. She's on fire. She's on fire. Okay. True, sir, true. If I am not calm, मैं तो जल जाऊँगा. So no, it's been incredible. And Sat Sri Akal ji, lovely to be here in Chandigarh, and thank you for coming. एक film बनी है, a film जो एक बड़े पर्दे की film है, जो बड़े पर्दे पे ही experience होनी चाहिए, और बहुत सालों बाद मैं भी बड़े पर्दे पर आ रहा हूँ विद अ फिल्म लाइक दिस। फिल्म एंटिसिपेशन थी, कोविड की वजह से फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, हमने शूट भी की थी, डिले भी हो गई, मगर टेम्पटेशन भी हुआ था प्रोड्यूसर को कि शायद हम इसे डायरेक्टली OTT पे ही डाल देंगे, मगर क्योंकि एक बड़े पर्दे वाली एक्सपीरियंस है और हम चाहते थे कि इस फिल्म के दर्शक जो होंगे वो इसे बड़े पर्दे पर ही एक्सपीरियंस करें, तो एवरीबडी हेल्प बैक होके बहुत सैक्रिफाइसेस दिए, एंड नाउ इट्स रेडी, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द फिल्म, द मेकर्स ऑफ द फिल्म, बट वेरी एक्साइटेड फॉर
Kangana because I think I have a lot of admiration for her work, but she's gone beyond that also. The physical aspect of what she has brought to this part, to this film, to the action that she has, the way she's justified her character is phenomenal. To Divya, क्योंकि इतनी स्वीट सी लड़की इतनी ईवल हो सकती थी आई हैड नो आइडिया ओके मगर अब मुझे लगता है कि वो इमेज तोड़ना दिव्या के लिए भी मुश्किल होगा एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द न्यू एक्सप्रेशंस दैट आई हैव बीन गिवन इन दिस फिल्म एंड द वे आई हैव बीन प्रेजेंटेड एंड आई थिंक ऑल आवर फैंस विल बी वेरी हैप्पी टू सी ऑल थ्री ऑफ अस इन अ वेरी वेरी डिफरेंट लाइट द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू इज सर That is the Moment Job movie. Last only. But we can have so many questions from the audience as well. But the last question from you is, sir, एक moment है जो movie में आप vast break कर रहे हैं कंगना मैम के head पे. तो वो moment आपके लिए कैसा रहा? Because as you said, you are the one who always respect lady, something related to that. But that moment जो आप hit कर रहे हैं और वो कितना crisp था, कितना critical था situation, but still you did that. तो वो experience कैसा रहा आपके लिए? वो एक्सपीरियंस बड़ा नर्वस एक्सपीरियंस रहा इनफैक्ट जब ये फिल्म मेरे पास आई थी मैं पहले से ही घबरा गया था क्योंकि मैंने सोचा कि जिस परवरिश से मैं आता हूँ और जो अपब्रिंगिंग है मेरी उस हिसाब से तो हमने कभी लड़कियों को प्रोटेक्ट ही किया है कभी लड़कियों के साथ मारधाड़ नहीं किया है तो आई नेवर न्यू कि मैं ये रोल कैसे कर पाऊँगा बट इतनी खूबसूरत कहानी थी it was going to be mounted in a way and it was being led by a female actor and I've always supported women centric films as well which I shouldn't say that word women centric because I think today that line is should not be drawn I think they have proved time and time again magar ek badi budget film with so much responsibility be given I felt it was my responsibility also और जब कंगना के साथ एक्शन करना पड़ा मैं थोड़ा नर्वस था बट शी वॉज फैंटास्टिक शी इज़ वेरी एजाइल शी इज़ गॉट ग्रेट मेमोरी शी इज़ वेरी कॉशियस एंड ये बास ब्रेकिंग वाला जो सीन था शी कुड हैव इजली गिवन इट टू अ डबल और समबडी टू डू इट क्योंकि इट्स डेंजरस यू नो हम एज एक्टर्स ऑल्सो हम yes. नहीं करते क्योंकि कट वट हो गया चेहरे पे पता नहीं क्या हो सकता है बट शी सेड नहीं मैं ही करना चाहती हूँ and we did it once and it didn't work that well and wow. she was brave enough to do it the second time so but flawless. My hands were trembling like this when I was doing it I was not Rudraveer anymore so but yes I mean hats off to them and they've done a fantastic job and I think it's been very clearly being seen today and that's the uniqueness of it Crazy, sir. Flawlessly done by all of you once again, I need to say that. So here we have question. I'm requesting my media members to please take one by one question. That's it. I request, please ask question related to the movie. I'm requesting once again, everyone. Please go ahead. हॉलीवुड टाइप ऑफ मूवी बिल्कुल है ऐसा ही फील आ रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन होता है जैसे आपने बताया कि इसकी आपने स्पेशल ट्रेनिंग ली थी सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस और बहुत चोटें लगती हैं इस तरह की मूवी में जो हम करते हैं तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उसमें देखिए सबसे पहले तो ये कोई हॉलीवुड टाइप फिल्म नहीं है क्योंकि क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि टेक्निकली साउंड फिल्म है बहुत ही ज़्यादा फिनांस से बनाई हुई है तो शायद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लगती है लेकिन ये बहुत ही भारतीय फिल्म है मेड इन इंडिया फिल्म है और अगर आप देखें तो कहानी भी बहुत ही रस्टिक है ज़मीन से जुड़ी हुई है कोल माइंस की कहानी है इंटरपोल एजेंट है लेकिन सरकारी दफ्तरों में इनके पूरे दिखाते हैं ऐसा कोई मतलब फैंटेसी वर्ल्ड नहीं क्रिएट किया हुआ है तो वो आप फिल्म देख के समझ जाएंगे लेकिन बिकॉज टेक्निकली साउंड फिल्म बनाई है तो इंटरनेशनल अपील इसका लग रहा है बाकी ये फिल्म में ऑफकोर्स मेरे को मणिकर्णिका के टाइम पे भी यहाँ पे 15 स्टिचेस लगे थे माइक्रो स्टिचेस और मेरा फ्रैक्चर भी हो गया था तो इस फिल्म में भी मुझे एक्चुअली कोविड हुआ था कोविड डेल्टा वेरिएंट के बाद मैंने इसमें एक्शन सीक्वेंसेस किए थे तो ठीक तो हो गए थे लेकिन रिकवरी उसकी सबके लिए अलग रही है कभी यहाँ पे मतलब नेक बिल्कुल वो हो जाता था कभी बैक थोड़ा भी कुछ एक्सर्शन हो तो शरीर का कोई
पार्ट बिल्कुल क्रैश हो जाता था और आप बिस्तर पे चले जाते थे वापस. तो इस तरह के कुछ चीज़ों से जूझना पड़ा, क्योंकि हमेशा एक्टर्स कहते हैं ना, देर यूज टू डूइंग सीन्स इमोशनली, देर यूज टू डूइंग थिंग्स, लेकिन फिजिकली हमेशा हर एक्सप्रेशन के लिए आपको अपनी पूरी फिजिकैलिटी को यूज़ करना, पूरे शरीर को यूज़ करना. तो ये थोड़ा सा आई गेट टू डू मोर प्रैक्टिस, मैं फिर फिट नहीं रहूं और मुझे इतनी मुश्किल ना आए. नेक्स्ट, एनीबडी एल्स? मेरा रिवॉल्वर याद सटायर थी, पॉलिटिकल सटायर था वो, और दैट फिल्म वाज मतलब पता नहीं वो जान मतलब वो आई वैसे कि नहीं, पर इट वाज अ डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी थी वो. तो उसमें तो एक्शन था ही नहीं बिल्कुल भी, अगर होगा भी तो एक दो शायद गन वगैरह की पोजिंग ही होगी. तो वो एक डार्क कॉमेडी थी और ये एक एक्शन थ्रिलर है. एनीबडी एल्स? आई रिक्वेस्ट यू हैव प्लीज रेज योर हैंड. यस मैम. कंगना, अभी तक आपने हर तरह का रोल कर लिया, नेक्स्ट क्या प्लानिंग है, किस तरह का आगे दिखना चाहते हो दर्शकों को? वेल, आगे भी मैंने कुछ फिल्में साइन की हैं, जिसमें एमरजेंसी करके एक फिल्म है, फिर एक दिन कार्नेशन सीता करके एक फिल्म है, और बाकी भी कुछ अनाउंसमेंट्स होंगी तो आपको उसके बारे में भी अपडेट किया जाएगा. एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम अर्जुन सर? प्लीज. हमारे जो भी कैरेक्टर होते हैं उसके साथ फनी, हमारे जो भी किरदार होते हैं उनमें कोई ना कोई चीज़ तो होती है जिससे हम रिलेट करते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि नहीं, वो चाहे कोई भी हो, या क्वीन में हो, या पंगा में हो, या थलाइवी में हो. तो वैसे ही इस किरदार में जो एक बहादुरी है, ऐसा नहीं कि मैं रियल लाइफ में ऐसे 40-50 लोगों को मार सकती हूँ, लेकिन लेकिन जो एक बहादुरी है उस कैरेक्टर की, मैं कहूँगी कि मैं भी काफ़ी बहादुर हूँ. एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम दिव्या मैम? For me, I think it is, I've seen the huge hits, I've seen big disasters, okay, and it's part and parcel of the game. Every film teaches you something. So as an actor, what you can do for me, at least in my experience, 20 years in this industry now, as long as you can, and that's what I try to do, and walk out of there feeling satisfied. If I feel satisfied about the film, work very well at the box office also, because it's made from the right space, it's made with a good heart, and you know, there's a lot of honesty in those kind of films, and I think Dhakad is definitely one of those films where I've walked out feeling extremely satisfied. Wish you all the luck. Arjun, I have a question for you. Hi, this is Sahil from Sky. Hi. Yeah, so Arjun, If we just talk about the movies which you did earlier, like, so you were mostly seen in the negative roles these days. Earlier, you were into some positive roles as well. So how been like a big change to negative roles and getting fame in that? So how do you feel like getting fame in negative roles? I think the people like me to see me in different kinds of paths. I think the paths that you look most convincing in are the paths which kind of you're remembered for. I prefer parts which are not black or white. I prefer them where they are more real, because I think we all have good and bad in us, each and every one of us. And I like to explore both those qualities in a character.
but obviously I lean more towards the good than bad. So I have another question for all three of you, if you don't mind, because this is something like which we all have faced today here. I guess all of you, when you're doing shootings, you never get late and offend times on your shoots, right? You be punctual on your shoots, correct? If I'm not wrong. But today we actually kept on waiting for like 1 hour or 1.5 hours outside there, and we all were waiting up for all of you. Just the thing was, there were one-to-one sessions going on. So this is the thing which we have faced today, standing outside, and we kept on waiting. I don't know what was the reason why, but this happened with all of us. I hope everybody has some good respect. Even you people have respect the same way we do have. Sorry if you had to wait. Yeah. I mean, we were given a schedule and a time that we were following. So I think that is something which we have come on time, according to us. And if we got delayed by a little bit, I'm really, really sorry. And I hope we made up for it in this press conference. No, we are sorry that you guys had to wait. आप दे दीजिए ना इनको माइक, दे क्यों नहीं रहे आप? हम सबसे माफ़ी मांगते हैं अगर आपको वेट करना पड़ा था, लेकिन एक्चुअली हमें पता नहीं था कि हम भी ऊपर वेट ही कर रहे थे, तो कई बार ऑर्गेनाइज चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिस तरह से भी जो हैं वो ऑर्गेनाइजर्स के अपने, उनको भी आप दोष नहीं दे सकते, उनके भी अपने जो भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं. पर आई होप आप लोगों को जो चाहिए था, हम लोग सब सवालों का जवाब देकर ही यहाँ से जाएंगे. दिव्या मैडम, मेरा सवाल है तुहानू, सवाल नहीं तुहाडा एक्सपीरियंस देखना है, क्योंकि जिहड़ी मां फिल्म तुसी कीती है उहनू बहुत सारा प्यार मिल रहा है, मां तो धाकड़ तक का सफर जिहड़ा है वह कहा जा रहा, एक्सपीरियंस की है? बहुत वधिया रहा जी. सब तो पहला तो सारिआं नू बहुत बहुत प्यार देना चाहवांगी कि मां नू इन्ना प्यार मिलिया. बहुत साल बाद मैं एक पंजाबी फिल्म कीती ते उहनू इस तरह का रिसेप्शन मिलिया. इट फील्स रियली ग्रेट, इट फील्स बैक टू द रूट्स. एंड उस तो बाद धाकड़ वर्गी फिल्म आ रही है जिथे बिल्कुल नैगेटिव रोल है, तो वधिया लगता है कि एक एक्टर नू अज ते जड़े मौका हैगा, इन्ने वक्रे वक्रे रोल करन दा मौका मिल रहा है. अलग अलग लुक्स, अलग अलग रोल, अलग अलग किरदार, अलग अलग बॉडी लैंग्वेज करके चंगा लगता. जब घर जानी है बहुत मिठी नींद आती है कि चंगा लग गया, लोगों का प्यार भी बरकरार. थैंक यू. Well, thank you so much, media members. I'm requesting you guys to please stand up and just convey the message. I have one question. Definitely, मैंने अभी भी जैसे एक तमिल की फिल्म की है, और मेरे पास एक रोल आया था, एक सरदारनी का रोल आया था, जो कि एक फ्रीडम फाइटर रह चुकी हैं, तो वो भी एक फिल्म है. उस तरह की मैं कोई फिल्म पंजाबी में भी या पार्शली हिंदी में बने तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू कंसिडर. और जल्दी ही हो सकता है मैं किसी सिख रोल में दिखूँ. और मेरी जो अगली फिल्म है तेजस, उसमें आई एम प्लेइंग अ सिख कैरेक्टर, मेरा नाम तेजस गिल है, तो उसमें भी थोड़ा पंजाबी है, लेकिन वो पंजाबी फिल्म नहीं है. आई बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली, दैट्स इट. लेकिन जैसी तलाई भी थी कुछ, जिसमें एक बैकग्राउंड वैसा हो, और वैसा कुछ सोच सकते हैं. और जैसा आपने कहा कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री इतने बड़े लेवल से ऊपर आ रही है अभी, सो एज अ प्रोड्यूसर मैं डेफिनेटली पंजाबी फिल्म बनाना चाहूँगी. कंगना मैम, आई हैव देखिए, पंजाब में तो मुझे लगता नहीं कि मेरे लिए एक्सेप्टेंस में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो, मैंने हमेशा ही, मैं पंजाब में पढ़ी बड़ी हूँ, और मैंने इनफैक्ट अभी कुछ फ्लैट भी खरीदे हैं यहाँ पे, इन्वेस्ट भी किया है प्रॉपर्टी में. तो हम हिमाचलियों के लिए, चाहे चंडीगढ़ हो चाहे पंजाब हो, ये घर ही है. और हमारे जो, इनफैक्ट फ्रीडम से पहले तो हम भी पंजाबी थे, ये 47 से पहले मंडी का एरिया भी पूरा पंजाब में ही आता था, तो मुझे पंजाब से कोई दूर नहीं कर सकता है. और बाकी जो जितने भी उपद्रवी होते हैं, वो चाहे कितनी उपवाएँ फैलाएँ, चाहे कितने भी वो करें, लेकिन जो लोगों का दिल है, वो दिल की बात वो समझते हैं, और उनके दिलों में से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, इस बात का मुझे पूरा यकीन है. कंगना,
यू ऑलवेज हैड दिस यू नो शिकायत कि बॉलीवुड की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिला है, और कल अभी सलमान खान जी ने आपका ट्रेलर जो है वो ट्वीट किया, तो आपको बहुत खुशी भी हुई है, तो अभी आपको लग रहा है कि बॉलीवुड में एक्सेप्टेंस धीरे धीरे हो रही है? डेफिनेटली आई वॉन्ट मोर पीपल, जैसे सलमान जी ने मुझे सपोर्ट किया, मैं हमेशा ही सबसे पहले, चाहे वो फिल्म RR हो या चाहे वो कश्मीर स्टोरीज हो या चाहे वो शेरशाह, कोई भी फिल्म हो, मैं कभी भी किसी अच्छी फिल्म की तारीफ करने से चूकती नहीं हूँ, या तो कोई फिल्म हो महिला मिमी जैसी कोई फिल्म हो महिला प्रधान, उनको उत्साहित करने से या एनकरेज करने से नहीं चूकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ मुझे भी वैसा ही इनकरेजमेंट मिले, किसी तरह की इनसिक्योरिटी या किसी तरह से यू नो गैंग अप होके मुझे ना नुकसान किया जाए। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सलमान जी की, जिन्होंने मेरी फिल्म को और मेरी पूरी टीम को सपोर्ट किया। वो जो पहले आप कह रहे थे, थैंक यू सो मच, आई रिक्वेस्ट, एक मिनट बोलिए। देखिए अगर आप इस चीज़ की एक्टिविटीज जो हैं वो चाहे हो चाहे जिस तरह से भी, चाहे वो राजनीति के तवे पे राजनीति की रोटियां सेकी जाए या जो भी की जाए, लेकिन जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हो देश में, चाहे वो जिहाद हो, चाहे वो खालिस्तान हो, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी क्रिमिनल मर्डर रेप्स हो रहे हो, उनसे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को डील करना चाहिए। और हम एज एक नागरिक होने के नाते हम यही कह सकते हैं कि सरकार को इसके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैम जिहड़ा किसान अंदोलन चलिया सी उहदे करके कोई मतलब पंजाब दे विच एक्सेप्टेशन जिवें कह रहे सी तुहानू एक्सेप्ट करनगे पंजाब दे विच, जिवें किसान अंदोलन करके थोड़ा जिहा होया सी? सॉरी, मैं किसान अंदोलन दे विच मीडिया तुसी काफ़ी मतलब अलर्ट रहे सी, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ? ਸਰ ਆਈ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਟੂ ਪਲੀਜ਼ ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਮੂਵੀਜ਼, ਇਟਸ ਅ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਇਟਸ ਅ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग, आई थिंक हमारा जो अखंड भारत है उसमें बहुत ताकत है, और चाहे ये सब अफवाहें हर एक जगह की उठती रहती है, कुछ लोग चाहे हिमाचल में चाहे बंगाल में चाहे कहीं भी उठ के चाहे चार लोग शोर मचाना शुरू कर दें कि हमें अपना देश चाहिए अपना देश चाहिए, तो इसका मतलब थोड़े ना हुआ कि उनको एक यू नो एक अपने शरीर का हिस्सा काट के दिया जा सकता है, तो कोई अपना बाजू या सर काट के थोड़ी किसी को दे सकता है। उसी तरह से चाहे पंजाब हो चाहे तमिलनाडु हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, कोई हिस्सा काट के ऐसे नहीं दिया जाता है। तो लेकिन जैसे मैंने कहा ये जो उपद्रवी हैं ये सब इंटरनेशनली फंडेड टेररिज्म है, और इससे किसी की भी जिसे मैंने कहा है ना इनको ना किसी ना पंजाब की ना हिमाचल की जो भी साधारण मानवीय हैं उनकी कोई सपोर्ट नहीं है। मेरा यही मानना है और मेरा यही मानना है कि हम सब भारतीय हैं और हम सब अखंड भारत चाहते हैं। कंगना, आप हिमाचल से हैं, हिमाचल में लंबे टाइम से फिल्म सिटी की बात की जा रही है, उस पर आपका क्या वो है? और इसके अलावा मंडी में कहीं ना कहीं आपका नाम आ रहा है कि शायद आप राजनीति में आएंगे, तो क्या ये सही है या नहीं? नहीं नहीं, मैं राजनीति में नहीं आ रही हूँ फॉर श्योर, और मैं हमेशा देश के हित में बात करती हूँ, तो उसके करके लोगों को शायद लगता है मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मेरी बैक टू बैक फिल्में आ रही हैं और मैं बहुत खुश हूँ कलाकार बन के, और मुझे जो भी ज़िंदगी में चाहिए वो सब मुझे एज एन आर्टिस्ट, मैं अभी लोक सेवा के लिए तैयार नहीं हूँ तो मैं राजनीति में नहीं आ रही हूँ। और फिल्म सिटी, आई थिंक अगर हिमाचल में फिल्म सिटी बने तो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो वो तो आपको सिर्फ वहाँ के चीफ मिनिस्टर ही बता सकते हैं क्या उसका स्टेटस है। Thank you. I will take a picture. I request you to please forward and come. What about Bacha? AP Dhillo. Yes, he's very good. I like his music and Bacha. पहले तो हमारे बादशाह ही बादशाह हैं, and then बाकी सब आएंगे. देखिए मैं जब छोटी थी तो मैं यहाँ पढ़ती थी तो मैं गाना बहुत सुनती थी, ए जो सिल्ली सिल्ली आंदी है हवा,
ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ Who said Kangana Maan don't know the Punjabi? Come on, beautiful, lovely. I request you to please come forward and let's take a picture. Arjun Bhaji, hello.